ऑस्टिन कार्टर, जो ओशन पल देश के राजा है, अपने इस समुद्री सफर के लिए तैयारी पिछले एक हफ्ते से कर रहे थे, जैसे कि जरूरी सामान लेना, रास्ते के लिए बहुत सारा सूखा राशन पानी, हथियार और समुद्री यात्रा से जुड़े दूसरे सामान। राजा ऑस्टिन तभी अपने सबसे भरोसेमंद और करीबी सलाहकार को बुलाते हैं, जो कि उनका मंत्री होता है, और उनको बोलते हैं, आप मेरे सबसे करीबी रहे हैं बचपन से, और मैंने आपसे ही सब कुछ सीखा है, तो मैं आपको मेरे यहाँ से जाने के बाद जिम्मेदारी देता हूँ कि आप मेरे इस राज्य और प्रजा को संभालें, और कोई भी मुसीबत आए इस देश पर, या मैं अगले 6 महीने के बाद भी वापस ना आऊं, या मेरा कोई समाचार ना मिले, तो आप तुरंत एक सैनिकों की बड़ी टुकड़ी पूर्व दिशा में रवाना कर दें, और इस पूरी यात्रा के बारे में राजा एडम को तुरंत सूचित कर दें। जैसा आप कहें, पर मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि आप इस यात्रा का जोखिम क्यों ले रहे हैं? आप केवल 26 साल के हैं, और अभी आपने शादी भी नहीं की है। कहीं अगर कुछ हुआ आपके साथ, तो महारानी और इस देश की जिम्मेदारी का भार किस पर डालें? कौन बनेगा आपका उत्तराधिकारी? आप इसकी बिल्कुल चिंता ना कीजिए। हमारी माँ हमारे पिता के स्वर्गवास होने के बाद से ही हमको छोटी उम्र से ही संभाला है, और इस राजपाट को भी, और वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो आप सिर्फ उनकी मदद कीजिए, जिससे कि वो ज़्यादा व्यस्त ना हो राजपाट में, और केवल ज़रूरी मुद्दों में अपना समय दें। बाकी सभी आपकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, ऐसा ही होगा। मुझे दो लोगों की ज़रूरत है, एक नक्शा बनाने वाले की और एक समुद्र की जानकारी रखने वाले की। क्या आपकी नज़र में कोई है? जी हाँ, आपकी इस मुश्किल का हल बहुत आसान है। दो भाई हैं जो अक्सर समुद्री यात्रा करते हैं और बाजार में मछलियां बेचने का काम करते हैं। खास वो इसलिए हैं, या महाराज यूं कहूं कि मशहूर इसलिए हैं, क्योंकि वो दोनों सनकी हैं और कई खतरे उठाए हैं उन्होंने इस विशाल समुद्र में। मैं अपने मन में ही खुश हो रहा था और मन में ही सोच रहा था, लगता है जैसे लोग ढूंढ रहा था वैसे ही मिल गए हैं, और उनसे बोलता हूँ उनको तुरंत हाजिर करो और इस सफर के लिए तैयार रहो। अगला दिन सभी सैनिक राजा ऑस्टिन और उनके बुलाए गए वो दो भाई, वो कबीले के लोग और जरूरी सेवक देश के बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं, और सारा सामान भी भरा जा चुका होता है जहाज में, और कुछ ही देर में जहाज चल पड़ता है। चलो, हमारा ये सफर शुरू हुआ, और जो अभी घर वापस जाना चाहते हैं अभी लौट जाए। बेन और मैक्स, ये वही दो भाई हैं जिनको ऑस्टिन ने अपने पास बुलाया था। बेन समुद्री यात्रा ज्यादातर करता था, और मैक्स मैप बनाने का काम करता था। ये दोनों राजा ऑस्टिन के सामने खड़े ही होते हैं और फिर बोलते हैं कि महाराज, हम दोनों भाई आपके आदेश पर इस सफर के लिए आ गए हैं, पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने कभी एक हफ्ते या 10 दिन से ज्यादा समुद्री सफर, वो भी पूर्व दिशा में, कभी नहीं किया। कहते हैं वहाँ दुनिया खत्म है, और जो भी जाता है वो वापस नहीं लौट पाता। अच्छा, भला ऐसा क्यों? इसके बारे में भी कुछ सुना है क्या? मैक्स, तुम भी कुछ जानते हो क्या? इसके बारे में आपको बहन ही बता सकता है। महाराज, मेरे भाई ने मुझसे कम सफर किया, तो मैं इसलिए अपने अनुभव से मैप बनवाता था, जिससे मुझे अगले सफर में आसानी होती थी। पर कई चीजें जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, आप उन पर विश्वास नहीं करोगे। बोलो, आखिर क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैंने 2 बार समुद्री दैत्य देखे हैं। उनका मुंह इतना विशाल होता है जिसमें छोटे छोटे जहाज पूरे समा जाते हैं, और उनके दांत
कम से कम एक इंसान के बराबर होते हैं। ऑस्टिन और सभी लोग हंसने लगते हैं बेन की इस बात पर जोर जोर से। अगर ऐसा है तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा उस समुद्री दैत्य से, और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मैक्स तुम भी चलो। कमरे में आने के बाद बेन, मैक्स दोनों ध्यान से सुनो, ये बातें जो तुम बाहर कर रहे हो अब दोबारा मत कहना किसी से भी, चाहे ये सच हो या झूठ। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग इस बारे में सोचें अभी, क्योंकि हमको इन आदिवासियों को इनके घर या जहां से भी ये आए हैं या रहते हैं वहां ले जाना है और उस जगह को देखना है। तो अब मुझे पूरी बात बताओ अपने इन समुद्री दैत्यों की। महाराज ये पिछली गर्मियों की बात है, जब मैंने अपना समुद्री सफर सबसे ज्यादा समय के लिए किया था। समुंदर शांत लग रहा था और हम पिछले 6-7 दिनों से एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हवा हमें आगे की ओर तेजी से धकेल रही थी। हम 5 लोग थे, मेरे चारों बाकी साथी मेरी तरह काफी बहादुर थे। तभी हमने कुछ दूर एक नीली रोशनी देखी और समुंदर में अचानक हलचल होने लगी। ये नीली रोशनी तो मैंने भी देखी थी सर्दियों में बहुत दूर समंदर में। महाराज उस हलचल में कुछ अजीब लगा मुझे, क्योंकि समुंदर ऐसी हलचल वो तूफान में भी नहीं करता, और हमारी छोटी सी नाव के नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई थी। हमें लगा कोई विशाल मछली है। मेरा एक दोस्त पानी में कूद गया उसको देखने के लिए, पर वो पानी के अंदर तो गया पर बाहर सांस लेने वापस नहीं आया। हम बाकी चारों चौकन्ने हो गए। तभी हमारी नाव 30 फीट ऊपर आसमान में चली गई और हम सब इधर उधर दूर गिर गए समुंदर में। फिर जब हम सब पानी में एक दूसरे को आवाज दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, तभी वो समुद्री दानव ने मेरे चारों दोस्तों के एक साथ निकल गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे होश उड़ गए थे कि वही नीली रोशनी एक बार फिर से आसमान में दिखी और वो समुद्री दानव बहुत तेजी से उस ओर चला गया। और ना जाने मैं कैसे बचते बचाते एक पट्टे पर तैरते हुए वापस अपने घर पहुंचा। कुछ देर तक ऑस्टिन चुप रहने के बाद समुद्र का विशाल दैत्य क्या? मेरे एक बचपन के गुरु ने ये कहानी सुनाई थी कि समुद्र में एक नीला समुद्री दैत्य रहता है। तभी बाहर से शोर आने लगता है। ऑस्टिन तुरंत बाहर जाकर देखता है। क्या हुआ? नाविक बोलता है, महाराज समुद्र में तूफान आने वाला है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, पतवार खोल दो। चिल्लाते हुए बोलता है। सभी अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और ऑस्टिन अपने कमरे में चले जाते हैं नाविक से बोलते हुए कि कोई जरूरी सूचना हो तो तुरंत सूचित किया जाए। अगले 2 दिन तक इस तेज तूफान से लगातार लड़ने के बाद सभी थके हुए होते हैं और किसी ने कुछ ढंग से खाया पिया नहीं होता है। सभी लोग ध्यान से सुने, मैं आज से आपका राजा नहीं हूँ, इस जहाज का कप्तान हूँ। तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। इसमें जो जो मेरे सलाहकार हैं, खासकर बेन, क्योंकि वो समुद्र को सबसे अच्छे से जानता है, वो सलाह दे सकते हैं। अभी के लिए सबके लिए आदेश है कि सब लोग खाना खाएं, आराम करें, और जो लोग आराम कर चुके हैं वो मेरे साथ इस जहाज को संभालें। ज्यादा नहीं, कुछ 5-10 लोग काफी होंगे। इसी तरह लगभग समुद्र की भागा दौड़ी में 1 महीना गुजर जाता है और सभी निराश होने लगते हैं और उन कबीले वासियों को कोसने लगते हैं कि इनकी वजह से हमको ये सब परेशानी उठानी पड़ रही है। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाता है जो जहाज के सबसे ऊंचे खंभे पर बैठा होता है, जमीन जमीन। सभी लोग उसकी आवाज सुन के उस तरफ देखने लगते हैं।
और बोलते हैं क्या ये सच है या फिर आंखों का धोखा है। तभी कैप्टन ऑस्टिन कार्टर बोलते हैं कि दोस्तों लगता है हमारा मकसद पूरा हो गया है। और ऑस्टिन खुशी से झूम उठता है। ऐसा किसी राजा का व्यवहार देख के सभी लोग काफी खुश होते हैं कि उनका राजा एक महीने में उनके जैसा हो गया है और सभी राज सुखों को भूल गया है, जिससे सभी और खुश हो जाते हैं और झूमने नाचने गाने लगते हैं। तभी उस जमीन के पास आके पता चलता है कि यहाँ 3 आइलैंड हैं। चलो इस पहले टापू पर चलते हैं। तभी वो कबीले वाले लोग चिल्लाने लगते हैं और डर जाते हैं और मना करने की कोशिश करने लगते हैं इशारों ही इशारों में। इन कबीले वालों ने अब तक काफी इशारे सीख लिए थे, जैसे हाँ ना, खाना खाने के लिए, पीने के लिए, इसी तरह के कुछ और। तो ऑस्टिन उनके इस व्यवहार से काफी सोच में डूब जाते हैं। फिर वो उसमें से एक को अपने पास बुलाते हैं और दूसरे टापू की तरफ इशारा करते हैं और वो हाँ में इशारा करता है अपनी गर्दन को हिलाकर। जहाज को उस दूसरे टापू की तरफ मोड़ लो, हम उसी पर जाएंगे। कैप्टन ऑस्टिन ये सोच रहे होते हैं कि इसने पहले आइलैंड के लिए मना क्यों किया। तभी दूसरे टापू तक उनका जहाज पहुंच जाता है और सभी वहां उतरने की तैयारी करते हैं, लंगर डाल देते हैं। कुछ ही देर बाद सब उतर जाते हैं और अपने हथियारों को लेकर और थोड़ा सा खाना पानी लेकर चल पड़ते हैं उन कबीले वालों के पीछे। ऑस्टिन इतना तो समझ जाता है कि यही इनका घर है। कुछ मीलों आगे चलते हुए उस जंगल में उनको कई जानवर सांप मिलते हैं और उनसे बचते बचाते हुए और सांपों को अपनी तलवारों से मारते हुए आगे बढ़ते हैं। जो उनकी राह में रुकावट बनता है उसे वे तलवार से हटा देते हैं। दूर से एक तेज आवाज आनी सुनाई देती है और तभी बहुत से जंगली लोग उनको घेरना शुरू कर देते हैं। तब जंगली कबीले वाले लोग, जिनकी ऑस्टिन ने जान बचाई होती है, वो अपनी भाषा में बात करते हुए उनको शांत कर देते हैं और आगे चलते रहते हैं। तभी शोर तेज और हो जाता है और राजा ऑस्टिन के सामने पूरा कबीला दिखाई देता है। यानी इस ग्रह पर ना जाने कितने देश, कितने कबीले और ना जाने क्या क्या मौजूद है और हमको ये मालूम ही नहीं। तभी उनके सामने एक औरत आती है जो अंधी होती है, पर उसकी आंखें सफेद चमक सी रही होती है। उसके लंबे सफेद बाल होते हैं और एक बड़ी सी छड़ी उसके हाथ में होती है। वो ऑस्टिन के पास आकर बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लोगों की जान बचाने के लिए, हम तुम्हारे एहसान मंद हैं। आप मेरी भाषा बोल सकते हैं? मैं कोई भी भाषा बोल सकती हूँ और समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारा पूरा भूतकाल भी जानती हूँ और तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, महाराज ऑस्टिन कार्टर या बोलूं कैप्टन कार्टर। आप ये सब कैसे जानते हैं? वो औरत एक नारियल में पानी भरकर देता है जो चमक सा रहा होता है और बोलता है कि इसको पी लो। ऑस्टिन धीरे धीरे करके उसको पीता है और देखता है कि उसको सारी बातें समझ में आने लगती है उन कबीले वालों की। वो आपस में क्या बात कर रहे हैं ये सब अब उसे समझ में आने लगता है। वो औरत सभी को वो जल पीने के लिए बोल देती है। 1 घंटे बाद, महाराज ऑस्टिन अब आपने विश्राम कर लिया हो तो मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। जी हाँ बिल्कुल, पर आपको दिखाई कैसे देता है, कैसे घूम लेते हैं आप इधर उधर?
मैं इस कबीले की सरदारनी भी हूँ और एक जादूगरनी भी हूँ, और यही आपकी परेशानी का उत्तर भी है। मैं अपने जादू से अपने आसपास देख पाती हूँ, और यह मेरे पूर्वजों की भविष्यवाणी थी कि एक दिन एक उदार और बुद्धिमान राजा इस कबीले की मदद करने आएगा। भला मैं एक जादूगर की क्या मदद कर सकता हूँ? मैं भले ही एक जादूगरनी जरूर हूँ, पर दूसरे कबीले में जो आपने इधर आते हुए एक टापू देखा होगा, वहाँ दूसरा कबीला है और उधर एक काला जादूगर रहता है जिसकी काली जादुई शक्तियों ने मेरी शक्तियों को दबाया हुआ है, और मैं अपने कबीले वालों की मदद नहीं कर पा रही। कैसी मदद? उस कबीले के लोग नरभक्षी हैं और वो हमारे लोगों को मार कर खा जाते हैं, और ये सब उस काले जादूगर की वजह से है। उसने अपने कबीले के सभी इंसानों पर इंसानी मांस खाने का जादू किया हुआ है। क्या? तो मुझे क्या करना होगा? अगर आप चाहें तो उस शैतानी जादूगर को मार सकते हैं और सबको मुक्ति दे सकते हैं उस जादूगर और नरभक्षियों से। मैं अपनी सारी शक्तियां जोड़कर सिर्फ आपको अदृश्य कर सकती हूँ, और ये एक जादुई तलवार दे सकती हूँ जो शैतानी जादूगर को मार सकती है। ठीक है, मुझे अपने कुछ सैनिकों को तैयार करने दो उधर जाने के लिए। महाराज, आपको इस काम को अकेले ही अंजाम देना होगा, क्योंकि जो इन दोनों टापुओं के बीच की नदी है उसके उस पार जाते ही किसी भी इंसान की मौजूदगी उसको पता चल जाएगी, और मैं सिर्फ आपकी मौजूदगी और आपको ही गायब कर सकती हूँ। ठीक है, अगर ये ही किस्मत में है तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। क्या मैं जिंदा वापस लौट पाऊंगा? पता नहीं महाराज, मैं भविष्य नहीं देख सकती, पर भविष्यवाणी के अनुसार राजा की मौत निश्चित है, तभी मुक्ति मिलेगी इस कबीले को। अगर मेरी मौत निश्चित ही है तो मैं आप सभी को बचाने के लिए पीछे नहीं हटने वाला। आप रास्ता बताइए। कुछ दूर चलने के बाद ऑस्टिन और वो जादूगर एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, और ऑस्टिन उस नदी में कूद जाता है। वो जादूगर उसका वहीं इंतजार करने के लिए रुक जाता है। काफी दूर चलने के बाद ऑस्टिन को वो कबीला दिखने लगता है और काफी अंधेरा हो जाता है। ऑस्टिन थोड़ा घबराने लगता है क्योंकि उसके सामने वो नरभक्षी इंसानों को जिंदा खा रहे थे, और कुछ नरभक्षी उसको आग में जला जला कर। ये सभी खूनी नजारे को देख के ऑस्टिन वहीं उल्टियां करने लगता है और जैसे तैसे अपने आप को संभाल के नजर इधर उधर घुमाता है और काले जादूगर को ढूंढता है। तभी एक लकड़ी के घर से जादूगर निकलता है और सभी को आदेश देता है कि कल हम उन दूसरे कबीले वालों को मार डालेंगे। कल चांद खून की तरह लाल दिखाई देगा जिससे मेरी शक्तियां 10 गुना बढ़ जाएंगी, जिससे उनका वो जादूगर हमें रोक नहीं पाएगा अपने कबीले में आने से। और इतना कहते ही सब झूमने लगते हैं। शैतानी जादूगर अपने घर में घुसता है और ऑस्टिन उसी तरफ काले अंधेरे में पड़ने लगता है। उस जादूगर के घर में घुसते ही ऑस्टिन देख के हैरान हो जाता है कि चारों तरफ सिर्फ नरकंकाल ही पड़े हुए हैं और वो उनकी हड्डियों पर ही सो रहा है। ऑस्टिन जल्दी ही अपनी तलवार निकालता है और हमला कर देता है, और देखता है कि तलवार उसके शरीर से आर पार चली जाती है और पीछे से आवाज आती है, तुम मुझे मारने आए थे, इस महान जादूगर को। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको देख नहीं पाऊंगा? वो जादूगर जिसने तुम्हें गायब किया है, उसका हर एक जादू कमजोर पड़ जाता है मेरे इस घर में, और
मैंने तुम्हें घर में घुसते हुए ही देख लिया था। तुम्हारी मौत आ चुकी है शैतान, आज तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। शैतानी जादूगर ऑस्टिन पर अपनी जादुई शक्तियों से वार करने लगता है, पर ऑस्टिन के हाथ में जो दिव्य तलवार थी वो उसकी रक्षा कर रही थी। शैतानी जादूगर समझ जाता है कि ये हमारे पूर्वजों की सबसे ज्यादा ताकतवर जादुई तलवार है, तो जब तक ये तलवार इसके हाथ में है मेरी शक्तियां इसको मार नहीं पाएंगी। तुम बच गए हो इस तलवार की वजह से। ये जरूर मेरी बहन के पास होगी इतने सालों से जिसने ये मुझसे छुपाई। वो जादूगरनी तुम्हारी बहन है? नामुमकिन। वही मेरी बहन है और हम दोनों आखिरी जादूगर हैं। ऑस्टिन उसको अपनी बातों में लगाने लगता है और मौके का फायदा उठाते हुए वो उस शैतानी जादूगर के करीब पहुंच जाता है। शैतानी जादूगर अपने घमंड की वजह से सब भूल जाता है दो पल के लिए और भला बुरा कह रहा होता है कि ऑस्टिन उसका गला काट देता है। तुम कितने ही मायावी जादूगर होंगे पर हर घमंडी अपने घमंड के कारण ही मरता है, और मुझे तुम्हारी बातों को सुनने का शौक भी नहीं था। अगली सुबह। शायद मैंने उस बच्चे को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। अब तक तो वो मौत को गले लगा चुका होगा। जैसे ही वो जादूगरनी वहां से जाने लगती है तभी उसकी नजर ऑस्टिन पर पड़ती है और वो खुशी से रोने लगती है और बोलती है कि बच्चे तुमने कर दिखाया। आपने तो बोला था कि मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला था कि राजा की मौत निश्चित है और वो शैतानी जादूगर अपने कबीले का राजा था जिसका अंत तुम्हारे हाथों हुआ। दोनों साथ में चलकर वापस आ रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। ऑस्टिन पूछ रहा होता है कि अब उन नरभक्षों का क्या होगा। वो जादूगर बोलता है कि अब वो ठीक हो जाएंगे, वो भी हमारे कबीले वाले जैसे ही लोग हैं। इन्हीं सभी बातों के बीच में वो वापस पहुंच जाते हैं और ये किस्सा वो जादूगर सबको सुनाता है और सब ऑस्टिन को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। 3 दिन बाद। मैं जानती हूँ महाराज, अब आप यहाँ से जाने की सोच रहे होंगे। आप गलत हैं। मैं उस नीली रोशनी के बारे में सोच रहा हूँ जो मैंने सर्दियों में देखी थी, और उस नीली रोशनी का किस्सा अपने साथी बेन से सुना था। तो यानी आपने उस समुद्री दैत्य को अभी तक नहीं देखा है? हाँ, इस नीली रोशनी का उस समुद्री दैत्य से क्या लेना देना। वो समुद्री दैत्य एक सच्ची कहानी है, और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो चलो मेरे साथ उस तीसरे टापू पर जहाँ हमारे पूर्वजों का मंदिर है, और वहीं मैं आपको जादूगर बनाऊंगी और सारे राजों को उजागर भी करूंगी। क्या आप तैयार हैं महाराज? एक जादूगर, फिर तो और मजा आने वाला है इस सफर में। पर मैं इन सब चीजों से पहले मैं एक अधूरा काम पूरा कर लूं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रहस्यमय कहानियों को सुनते रहिए, क्योंकि अब हर रहस्य आप सुन पाएंगे।